दूसरे दिन डायरेक्टर साहब से हम मुखातिब हैं, राज्योत्सव के बारे में आपकी जो राय है, आपकी जो विचार है वो हम जानना चाहेंगे। एक्चुअल में राज्योत्सव या किसी भी मेला का आयोजन जो सरकार करती है उसका उद्देश्य शासन की योजनाओं को और आम जनता के लाभकारी योजनाओं को उन तक के आसानी से पहुंचाना है। उसी के तहत ये राज्योत्सव का आयोजन किया गया है जिसपे सरकार जो योजनाएं बनाती है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करती है। सरकार की मुख्य योजना नरवा गरवा घुरवा बारी पहला बचाना है संगवारी थीम पे सुराजी गांव पर है और सुराजी गांव का कॉन्सेप्ट बिना खेती के कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि नरवा गरवा और घुरवा तीनों कृषि विभाग से संबंधित हैं। पानी रहेगा तो खेती होगी, घुरवा रहेगा खाद रहेगा तो खेती धान या अन्य फसलों के उत्पादन पे वृद्धि होगी, घुरवा उसी का रूप है और गाय गौठान अगर उसको कैच के अंदर रखेंगे आदमी बाहर रहेंगे तो निश्चित ही उस पर उत्पादन में वृद्धि होगी और आमदनी दुगुनी की ओर हम अग्रसर होंगे। किसान जब आत्मनिर्भर होगा तो वैसे ही समस्याएं बहुत सारी कम हो जाएगी। जो गौठान का बिल्कुल जो नया रूप किया गया है, मतलब अपनी जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को लेकर के उसकी उत्पादकता बढ़ा करके, उपयोगिता बढ़ा करके जो एक टेक्निक शुरू की गई है तो उस पर लोगों के बहुत सारे व्यू आ रहे हैं कि ये चीज़ हमको थोड़ा नया लग रहा है, हालांकि वो मॉडर्नाइजेशन है। इस विषय में आपके एक्चुअल में बहुत लोगों को इसका कॉन्सेप्ट मालूम नहीं, क्यों क्लियर नहीं हो पाता, जबकि गरबा मतलब एक गांव पे कहावत हो गई है कि गाय गरु हो गए, तो जो आज हम गाय रखे हैं इसका पालन पोषण हम अपने घर पे पहले जो पुरानी परंपराएं थी उसका निर्वहन हम नहीं कर पा रहे हैं और गाय को हम सड़क पर या गांव पे छोड़ दे रहे हैं जो खुली चराई के लिए और फसल के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक स्थिति पे हमको ला दिया है। ये गौठान जो है एक्चुअल में कम्युनिटी बेस्ड है, लोगों ने इसको शासन की योजनाओं के रूप में अंगीकृत करने की कोशिश की लेकिन मुझे लगता है कि जब तक के कम्युनिटी खुद होके इसको नहीं लेगी तब तक के उत्पादन पे वृद्धि और गरबा से जो हमारी फसल के लिए सबसे आज के दिन में सबसे ज़्यादा हानिकारक हो रहा है चराई के कारण, क्योंकि खुले पे घूम रहे हैं हम, कितना भी बाड़ लगा लें बारबेट वायर लगा लें वो उसको लांग के भी वो चराई हो जा रही है। तो गौठान पे अगर एक जगह रहता है और किसान अपने घर में जो खिलाता है वही चीज़ें अगर गौठान पे ला के दे दे तो कम्युनिटी बेस अगर हो जाएगा, लोग अगर भागीदारी उस पर ज़्यादा करेंगे तब इसका फ़ायदा मूल रूप से मिलेगा। गाय जब कैच के अंदर होंगी, आदमी और खेती कैच के बाहर बारबेट वायर से बाहर होंगे, तभी हमारे इसमें सार्थकता है। लेकिन इस योजनाओं को हमको गांव-गांव तक के पहुंचाने की ज़रूरत है। ये योजना सरकार की नहीं आपकी योजना है, सरकार के सिर्फ विचार हैं, सरकार इस पे परोक्ष रूप से गौठान बनाने के लिए सहायता करती है लेकिन उसका संचालन करना, उसके बाय प्रोडक्ट्स बनाना, गुरवा के रूप में उसको उपयोग करना, नस्ल सुधारना, ये उसके साथ चलने वाली प्रक्रिया है। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर राजस्व पे कृषि विभाग ने अपने स्टॉल लगाया कि तब और अब में उसने बांटा, तब क्या होता था जब गाय बाहर हुआ करती थी और गाय के अंदर होने से क्या होता है, वो दो मॉडल एक सरीके हैं एक गांव के जिसपे ये दर्शाया गया है कि तब हम जब गाय हमारी बाहर घूमती थी हम तार बारबेट वायर लगाते थे उसको भी कूद के वो हमारे फसलों को चढ़ जाती थी, लेकिन गौठान के अंदर रहने से हमारी फसल का रकबा दुगुना हो गया, जो दलहन तिलहन हम लोग लगाते थे वो चीज़ें
वो एरिया में बढ़ोतरी हो गई, तो इससे सीधे सीधे किसान की आमदनी पे फर्क पड़ेगा। इसमें जो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रही थी, सराही थी, तो बोले ये ऐसा चीज़ है तो इसके लिए हमारे को एक काम मिल सकता है। तो मैंने कहा आपके फायदे के लिए ये लगाया गया है, इसको आप पहले समझिए, देखिए और खुद से करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके लाभ के लिए है। तो स्व सहायता समूह ने इसमें बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई है। एक्चुअल में मैंने क्या कहा, ये योजना कम्युनिटी बेस है, कम्युनिटी के बिना कुछ नहीं हो सकता, कम्युनिटी अगर सामने आएगी तभी होगा। इससे स्व सहायता समूह जो है वर्मी कंपोस्ट से लेके और जो चीज़ें बाय प्रोडक्ट बनते हैं उसका लाभ वो स्वयं होके आगे आके उसका लाभ से अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा सकती हैं महिला समूह खासकर। धन्यवाद सर, मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि पूरे व्यूज मेरे पास महिलाओं के आए हुए थे, तो सब वही चीज़ बोल रहे थे कि करते तो हम लोग भी यही काम है। मैंने कहा नहीं, इस तरीके से आप करके देखिए करके, तो थोड़ा उनमें रुझान दिखा है। धन्यवाद सर, मिलते हैं।